नमस्कार, मेरा नाम है सोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दो नाबालिग लड़कियों का रेप कर उनकी हत्या कर दी गई और उनके शव को पेड़ से लटका दिया गया। आपको बता दें, बुधवार को नाबालिग दलित बहनों की हत्या मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है, जहां मां का आरोप था कि बाइक पर युवक आए और जबरदस्ती बच्चियों को अगवा कर ले गए, इसके बाद खेत में रेप किया और फिर हत्या कर डाली। वहीं लखीमपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की जानकारी दी। एसपी संजीव सुमन ने कहा कि निघासन में हुई इस घटना में हमने अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक हिंदू और बाकी युवक मुस्लिम है। एसपी ने कहा कि जबरदस्ती अगवा करने जैसा मामला नहीं है, लड़कियों को भाला फुसला कर ले जाया गया था, वहां उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए गए, इसके बाद उनकी हत्या करके शव फंदे पर लटका दिया गया। लखीमपुर एसपी के मुताबिक लड़कियों के पड़ोस में एक आरोपी छोटू रहता है, उसने लड़कियों की पहचान आरोपी सोहेल और जुनैद से कराई थी। सोहेल और जुनैद एक अन्य आरोपी के साथ लड़कियों को भाला फुसला कर बाइक से खेत पर ले गए। लड़कियों का अपहरण नहीं हुआ था, वे अपनी मर्जी से बाइक पर गई थी, लेकिन खेत पर सोहेल और जुनैद ने अलग अलग लड़कियों के साथ रेप किया और फिर तीनों आरोपियों ने दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दो अन्य आरोपियों को बुलाया गया और लड़कियों को दूसरी जगह ले जाकर इन्हें खेत में लटका दिया गया। इन दोनों आरोपियों ने सबूत मिटाने में मदद की है। पुलिस ने बताया कि मामले में कुल 6 आरोपी हैं। आरोपियों में एक हिंदू और बाकी 5 मुस्लिम हैं। सभी आपस में दोस्त हैं। पुलिस ने अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तो वही वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इस दौरान पीड़िता के परिवार के लोग शामिल रहेंगे। पुलिस ने बताया कि चश्मदीदों ने बताया है कि लड़कियां अपनी मर्जी से बाइक पर बैठकर गई हैं, उनका अपहरण नहीं हुआ है। आपको बता दें, घटना के बाद दोनों लड़कियों की मां ने बताया कि बुधवार शाम 4 बजे का वक्त था, मेरी दोनों बेटियां घर के बाहर बैठी थी, मैं भी बाहर ही नल पर बर्तन धो रही थी, अचानक बाइक पर दो युवक आए और मेरी दोनों बेटियों को बाइक पर जबरन बैठा लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी बाइक सवार युवक ने मेरे पेट पर लात मार दी। वह एक ही बाइक पर बेटियों को लेकर फरार हो गए। मैं चिल्लाई तो गांव के कई लोगों ने बाइक सवारों का पीछा किया, मगर वे पकड़ में नहीं आए। काफी देर तक तलाश की गई, जिसके बाद मैं दोनों बेटियों के शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में पेड़ से लटके मिले। रेप करने के बाद मेरी बेटियों की हत्या करके शव को फंदे पर लटका दिया। जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त लड़कियों के पिता घर पर नहीं थे। बेटियों के शव मिलने के बाद उनका रो रोकर बुरा हाल हो गया है। पिता ने बताया कि मैं जब घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो मुझे घटना के बारे में पता चला, मैं भी उसी तरफ भागा जिधर सब गए थे। वहां मेरी बेटी के शव पेड़ पर लटके हुए थे। उन्होंने कहा, गांव के ही एक लड़के ने अपहरण करके मेरी बेटियों की हत्या की है। इससे पहले घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बुधवार देर रात निघासन चौराहे पर जाम लगा दिया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान एसपी संजीव सुमन की ग्रामीणों से झड़प हो गई। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, रोड जाम करना कोई विकल्प नहीं है। काफी मशक्कत के बाद जाम हटवाया गया। खुद आईजी लक्ष्मी सिंह ने रात भर गांव में कैंप किया। रात में ही वह घटना स्थल पर पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। ये मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है, जहां परिवार वालों का कहना है कि लड़कियों को अगवा करके ले जाया गया था, तो वहीं पुलिस का कहना है कि उनको भाला फुसला कर ले जाया गया था। अब देखना होगा कि आगे इस जांच में क्या कुछ पता चलता है। इस केस की आगे की अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ।